परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की स्टूडियो में हम ENG201 के लेक्चर नंबर 31 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 31 हमारे पास है यूजिंग विजुअल एड्स। तो विजुअल एड्स के अबाउट ये लेक्चर है और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि विजुअल एड्स को यूज़ कैसे करते हैं, इनको कैसे जो है हम बेटर बना सकते हैं, उसके बाद जो है वो कम्प्लीटली हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर लेक्चर की कुछ आउटलाइंस हमें दी गई हैं जिनको हम वन बाई वन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है विजुअल एड्स, मतलब उनकी बेसिक डेफिनेशन वगैरह दी गई है। तो विजुअल एड्स क्या होते हैं, लाइक ग्राफ्स हो गए, टेबल्स हो गए, डायग्राम्स हो गए, फ्लोर चार्ट्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपकी विजुअल एड्स में आती हैं। कैसे आती हैं कि देखिए, ग्राफ क्या है, ग्राफ में आपको विजुलाइज करवाया जा रहा है, जाहिर तौर पर दिखाया जा रहा है, किसी चीज़ को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। टेबल बनाया गया तो टेबल में भी किसी चीज़ों को जो है वो आपको विजुलाइज करके दिखाया गया, रिप्रेजेंट किया गया। डायग्राम है तो डायग्राम में भी कुछ ना कुछ जो है वो शो करवाया जा रहा है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, विजुअल एड्स में जो है वो विजुलाइज करवाया जाता है और रिप्रेजेंट किया जाता है चीज़ों को विजुलाइज तरीके से, ठीक है, इनको विजुलाइज करवाया जाता है। तो ये विजुअल एड्स में जो है ये सब चीज़ें आती हैं, जहाँ मतलब ये सारे आपके पास आ जाते हैं, इंस्ट्रक्शनल एड्स आ जाते हैं जिनमें विजुलाइज करवाया जाता है, सही है। अब यहाँ पे मोर देन जस्ट विजुअल एड्स के विजुअल एड्स से ज़्यादा जो है वो कैसे, तो यहाँ पे मतलब उस लिहाज से बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या आएगा कि विजुअल एड्स क्या है, इसको आप रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, आपको शो करवाया जा रहा होता है किसी न किसी चीज़ को, कोई ना कोई मैसेज जो भी दिया जा रहा है वो एक ग्राफ, एक टेबल, एक डायग्राम के थ्रू जो है वो विजुलाइज करवाया जा रहा है। तो अब यहाँ पे मोर देन लिखा हुआ है तो मतलब विजुअल एड्स समटाइम ऐसे हो जाता है कि पूरा आपका जो मैसेज होता है जो आप वहाँ पे कन्वे करना चाह रहे हो, पूरे मैसेज को जो है वो शो कर देता है। लाइक देखिए, विजुअल एड्स कैन कैरी द एंटायर मैसेज, पूरा मैसेज शो कर देते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप सपोज कर लें कि आपके पास एक ग्राफ है, उसमें एक साइड आपको वेलोसिटी टाइम दिया गया, या कोई भी कंपेयर दो आपके पास वेरिएबल्स दिए गए, उनको कंपेयर किया जा रहा है, वहाँ पे आपको इजीली वो पूरा समझ आ रहा है कि इसमें वो क्या बताना चाह रहा है, कि लाइक आपको क्या वो मैसेज देना चाह रहा है। तो आपको ग्राफिकली उसकी समझ लग गई है विजुअल एड्स के थ्रू, तो पूरा मैसेज जो है वो इसमें शो करवाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद है कंप्यूटर्स एंड विजुअल एड्स, कि कंप्यूटर और विजुअल एड्स का क्या लिंक है, उनके बारे में बात की गई है। तो कंप्यूटर क्या, मतलब जो चीज़ कंप्यूटर पर बनाई जाती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल उन्होंने अगेन वो एक ग्राफ की बात की है, एक लाइन ग्राफ है, उसमें क्या है कि आपको वेरिएबल दिए गए हैं और आपने डिसाइड करना है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कौन सा लेना है और कौन सा वर्टिकल एक्सिस पे लेना है, ठीक है। और यहाँ पे वेरिएबल्स का इंटरवल क्या होगा, वो सारी चीज़ें जो आपने डिसाइड करनी है, वो क्या होगी, एक कंप्यूटर और विजुअल एड्स, मतलब कंप्यूटर को यूज़ करते हुए विजुअल एड्स को जो है वो बनाना, या एक प्रोग्राम उसका जो है वो प्रिपेयर करना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ तक ज़्यादा इसमें क्या है कि आपको जो ये पता कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि विजुअल एड्स क्या होते हैं, उसकी एग्जांपल्स क्या हैं, विजुअल एड्स में क्या क्या आता है, लाइक ग्राफ्स, टेबल, डायग्राम, फ्लो चार्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं ये विजुअल एड्स में आती हैं। तो अब यहाँ पे इसके बाद इसकी कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं कि अगर आपने अपना विजुअल एड्स को जो है वो उसका फर्स्ट स्टेप क्या है कि आप जो है उसको उसके कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव के लिहाज से उसको अचीव करें और इफेक्टिव बनाएं ज़्यादा, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि क्लैरिफाई द रिलेशनशिप्स अमॉन्ग न्यूमेरिकल डाटा, न्यूमेरिकल डाटा जो है उसमें आप क्या करें, लाइक सर्वे हो गया, रिसर्च, लेबोरेटरी रिसर्च होगी, तो उसमें क्या होता है कि न्यूमेरिकल डाटा, पीस ऑफ डाटा जो है वो आ रहा है, उसको आप क्या करते हो, क्लैरिफाई करते हो कि उनके अमॉन्ग जो है वो रिलेशनशिप क्या है, उनके मतलब वो यूँ कह सकते हैं कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि किसका किस चीज़ के साथ लिंक है और कैसे वो रिलेट हो रही है, उसको प्रॉपरली वो एक जो है विजुलाइज करवाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है सपोर्ट योर आर्गूमेंट्स, ठीक है, क्या आप अपने आर्गुमेंट्स को अगर सपोर्ट करना हो तो भी आप विजुअल एड्स को यूज़ कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे उसको यूजेस बताया गया है, किस तरह से यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, बस ये चीज़ें बताई गई हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं सपोर्ट योर आर्गुमेंट्स, आप अपने आर्गुमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए भी विजुअल एड्स को जो है वो यूज़ कर सकते हो। लाइक आप अपना कोई पॉइंट है उसको अगर आपने सपोर्ट करना है, या कोई इन्फॉर्मेशन जो है आप डिलीवर कर रहे हो उस पॉइंट के अबाउट, तो आप उसको विजुअलाइज करवा सकते हो, विजुअल एड्स के थ्रू उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक टॉपिक के अबाउट आप बात कर रहे हो, वहाँ पे आप चाहते हैं कि उसको जो है वो आप विजुलाइज भी करवाओ, लाइक विजुअल एड्स के थ्रू उसको रिप्रेजेंट भी करवाओ, तो जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हो वहाँ पे उसका कोई ना कोई ग्राफ बना के भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप उसका साथ में जो है कोई टेबल बना के भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप अपने मतलब आर्गूमेंट को जो भी जिस टॉपिक पर भी आप बात कर रहे हैं, जिस पॉइंट पर आप अपना एक आर्गूमेंट दे रहे हैं, उसको आप क्या कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो विजुअल एड्स के थ्रू। तो उसके बाद नेक्स्ट है कि मेक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ईजी टू फाइंड, ठीक है, कि इससे क्या होता है, विजुअल एड्स से जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन डिटेल देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, उसमें क्या होता है कि इजी हो जाता है किसी चीज़ को फाइंड करना।
फॉर एग्जाम्पल किसी टॉपिक पे बात हो रही है, अगर आप उसको विजुअल एड्स के थ्रू उसको ज़्यादा डिटेल उसकी प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप उसको इजीली क्या करते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे ये लाइक यूँ कह सकते हैं कि इसका एक बेनिफिट भी है कि इसमें आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट होकर सामने शो हो रहा होता है तो आप उसको जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक अगर आपको टेबल दिया गया हो, आपने किसी एक पर्सन का जो है वो रिकॉर्ड देखना हो या कुछ भी देखना, तो आप इजीली उसके नाम के थ्रू सामने आपको शो हो रहा होगा, आप डायरेक्टली उसके नाम के थ्रू उसको फाइंड कर सकते हो, इजीली उसका रिकॉर्ड वगैरह सारी चीज़ें इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो विजुअल एड्स का एक ये बेनिफिट भी है। एंड उसके बाद नेक्स्ट है कि कंसिडर योर रीडर्स टास्क, कि जो रीडर्स का टास्क है उसको भी कंसिडर करें, किस लिहाज से कि डिफरेंट विजुअल एड्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं और डिफरेंट रीडिंग टास्क के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ही अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसको आप डिफरेंट वे से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे? अगर आपके पास एक इन्फॉर्मेशन, आप उसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, टेबल बना के भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लाइन ग्राफ पोस्टर, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो है विजुअल एड्स को आप यूज़ करके उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आप ये क्या करें, इन टास्क को जो है वो कंसिडर करें, रीडर्स के टास्क हैं वो कौन से टास्क हैं, किस तरह उसको आपने विजुलाइज करवाना है, कैसे आपने विजुअल एड्स को यूज़ करना है, तो इसको भी कंसिडर करें। उसके बाद दूसरा है कि कंसिडर योर रीडर्स एटीट्यूड, उनके एटीट्यूड को भी कंसिडर करें कि वो किस टाइप का उनका बिहेवियर है, उनका माइंड कैसा है, किस तरह का मतलब उनका उनके साथ कम्युनिकेट आपको करना चाहिए, उनको किस तरह की चीज़ें जो है वो रिप्रेजेंट करनी चाहिए, मतलब किस वे में रिप्रेजेंट करना चाहिए, उनके एटीट्यूड के अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को जज करें एंड देन उसी वे में आप विजुअल एड्स को यूज़ करते हुए उसको रिप्रेजेंट करें या शो करवाएं। तो रीडर्स का टास्क भी देखें, उसको भी कंसिडर करें एंड रीडर्स के एटीट्यूड को भी कंसिडर करें, ठीक है। एंड उसके बाद है कि मेक योर विजुअल एड्स सिंपल, जो आप विजुअल एड्स यूज़ कर रहे हैं, कोई भी आप टेबल बना रहे हो, कोई आप ग्राफ बना रहे हो, लाइन ग्राफ बना रहे हो, कोई पोस्टर बना रहे हो, तो उसको सिंपल रखें, विजुअल एड्स को बिल्कुल सिंपल रखें ताकि इजीली समझ आ जाए और जो भी आप इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाह रहे हैं, देना चाह रहे हैं, वो इजीली आपको समझ आ जाए और उसमें कोई भी अननेसेसरी डिटेल्स ना प्रोवाइड करें। जस्ट सिंपल आप विजुअल एड्स रखें, उसमें जस्ट टू डी पॉइंट आप अपनी इंफॉर्मेशन दें, कोई भी अननेसेसरी डिटेल ना दें ताकि इजीली सिंपल हो और इजीली समझ आ सके, ठीक है। उसके बाद है कि लेबल द इम्पोर्टेंट कंटेंट क्लियरली, तो एज अ स्टूडेंट आपको पता ही होगा कि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो हम क्या करते हैं, उसको हाईलाइट कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं। तो इधर भी वही बात की जा रही है कि जो इम्पोर्टेंट कंटेंट होगा उसको लेबल कर लें या उसको आप लाइक हाईलाइट कर लें, लेबल कर लें। तो यहाँ पे भी बस वही बात की गया कि आपने जो इम्पोर्टेंट कंटेंट होगा उसको लेबल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रोवाइड इंफॉर्मेटिव टाइटल्स। टाइटल्स जो है अक्सर हम लोग किसी एक जो टॉपिक पे बात करते हैं उसका स्टार्ट में टाइटल दे देते हैं, क्यों देते हैं, ताकि हमें समझ आ जाए कि इस टॉपिक में, इस टाइटल से हमें आइडिया हो जाए कि ये बात की जा रही है इस टॉपिक में, या इस पूरे जो मतलब हमारे पास कुछ कंटेंट दिया गया तो हमें समझ लग जाए कि इस पूरे कंटेंट में क्या चीज़ बताई जा रही है, उस टाइटल से हम आइडिया लगा सकते हैं। अब ये टाइटल जो है ये नंबर भी कोई हो सकता है या कोई डिस्क्रिप्शन भी हो सकती है, नंबर लाइक 1, 2, 3 अरेबिक हो सकता है, उसके बाद रोमन भी हो सकता है। तो नंबर जो है डिफरेंट वेज में हो सकते हैं, और इसके अलावा मतलब आप क्या करें, इंफॉर्मेटिव टाइटल रखें, ऐसा इंफॉर्मेटिव कि उसको देख के कम्प्लीटली आइडिया हो जाए कि इसके में इसके अंदर जो है वो डिस्कस बेसिकली क्या किया जा रहा है, आपको वो इजीली जो है वो समझ लग जाए, चाहे कोई शॉर्ट टेबल है चाहे कुछ। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि हर जगह पे आपको टाइटल की ज़रूरत नहीं भी पड़ती, मतलब हर जगह पे आपको टाइटल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है अगर विजुअल एड्स को आप जो है वो यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जांपल कोई एक सिंपल सा आपने शॉर्ट सा टेबल बनाया है, ठीक है, उसमें आपने क्लियरली मेंशन कर दिया रिकॉर्ड है जो भी आपका टेबल के अंदर है डाटा, वो इजीली अगर समझ आ रहा है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए जो है वो कोई इंफॉर्मेटिव टाइटल भी प्रोवाइड करें। सो ये हर जगह पर कंपल्सरी नहीं होता, किसी किसी जगह पर आपको ज़रूरत पड़ जाती है, सो इसका भी जो है वो ख्याल रखना पड़ता है, मतलब इसको भी आपने यूज़ करना है। एंड उसके बाद लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का, वो क्या है, फुली इंटीग्रेट योर विजुअल एड्स विद योर पॉज, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने जो आपका कोई भी लाइक राइटिंग जिस वे में आप लिख रहे हो या जो सा भी आप टोन यूज़ कर रहे हो, जो सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, उसी उसको जो है वो अपनी विजुअल एड्स के साथ इंटीग्रेट करें, ठीक है। और इसके लिए 3 वेज हमें दिए गए हैं, इंट्रोड्यूस योर विजुअल एड्स इन योर रॉज, उसके बाद स्टेट योर कंक्लूजन यू वांट योर रीडर्स टू ड्रा, मतलब इंट्रोड्यूस करवाएं, उसके बाद कंक्लूजन जो है वो स्टेट करें, उसके बाद क्या करें, मेक योर विजुअल एड्स इजी टू फाइंड, मतलब 3 स्टेप्स हैं, इंट्रोड्यूस, स्टेट द कंक्लूजन एंड इट इज़ इजी टू फाइंड। इन 3 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि वो इजी भी हो समझने के लिए, उसमें कोई ना कोई कंक्लूजन भी हो रही हो जिससे मतलब रीडर जो बताना चाह रहा है और उसको इंट्रोड्यूस भी करवाना है आपने। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पे आपने करवानी होती हैं, और आई होप कि ये लेक्चर जो है ये आपको समझ आ गया होगा। तो ये लेक्चर इतना ही था, तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके वो लेक्चर जो है वो 2-3 लेक्चर कवर करवा दूंगी, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर बिल्कुल शॉर्ट्स है। सो
इस लेक्चर के आई होप आपको समझ लग गई होगी। मजीद वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एंड चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।